शांति। आज की तारीख है 8/2/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है, बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? उत्तर है, बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्टो मोहा है, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो, मित्र संबंधियों आदि से बुद्धि की लागत न हो, बुद्धि में रहे कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट ज्ञान बिंदु। नंबर 1, सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है, सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ट्रेन में भी बैज पर सर्विस करनी है। नंबर 2 है, पुरानी दुनिया से दिल सदा के लिए हटेगा कैसे? नष्टो मोहा बनना है, एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान, संगम युग के महत्व को जान, संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पाटदारी भव। बाबा कहते हैं, हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान बुद्धि की स्मृति में रहे कि मैं हीरो पाटदारी हूँ। तो हर कर्म विशेष होगा, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ और अच्छा होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो सिर्फ 5 मिनिस्टर साधारण हुआ, सम्मुख में 5 मिनट भी बहुत महत्व वाले हैं, 5 मिनट भी 5 साल से भी ज्यादा है। अटेंशन भी सदा काल का हो, स्लोगन है, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति हो उनके लिए हर कर्म संभव है। मीठे मीठे तिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।